हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए और प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके मन में जितने भी डाउट है रिगार्डिंग असाइनमेंट, आज सभी डाउटों का जो है सोल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिनके मन में असाइनमेंट सबमिशन को लेकर किसी भी तरह का डाउट है। तो सबसे पहले बच्चों का ये डाउट लेते हैं कि असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट क्या है। सभी बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन है कि असाइनमेंट सबमिशन को लास्ट डेट क्या है, तो आपको बता देना चाहता हूं असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च थी, लेकिन जिसे एक्सटेंड करके 31 मार्च कर दिया गया। आपको दिखा देना चाहता हूं 15 तारीख को जो है इसे एक्सटेंड किया गया। मैं जो है इग्नू के रीजनल सेंटर 3 में बकायदा डायरेक्टर से बात करने गया था, कोऑर्डिनेटर से, कि इग्नू की जो असाइनमेंट सबमिशन डेट है वो किस तरह से एक्सटेंड होगी या फिर आगे इग्नू का क्या जो है प्रोग्राम रहने वाला है, किस तरह से वो आगे जो है प्रोसीड करेंगे, जिसके रिगार्डिंग मैंने तुरंत ही रीजनल सेंटर से बाहर निकलते ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि कांग्रेचुलेशन सभी बच्चों को, आपकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, अब वो 31 मार्च हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चों का जो सेकंड डाउट है मन में कि हमारे जो असाइनमेंट है वो ऑनलाइन जमा होंगे या फिर ऑनलाइन जमा होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जो आपका असाइनमेंट है वो आप ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं अगर आपका स्टडी सेंटर ओपन है तो। अगर आपका स्टडी सेंटर ओपन है तो आप एक बार वहां पर विजिट कर सकते हैं या फिर उन्हें कॉल या फिर ईमेल कर सकते हैं कि क्या मैं अपना असाइनमेंट जो है आपको ऑफलाइन जमा करा दूं। अगर वो बोलते हैं हाँ या फिर अगर आप वहां जाते हैं वहां आपका जो असाइनमेंट वो ले लेते हैं तो आप ऑफलाइन जमा करा सकते हैं, अन्यथा अभी भी आप जो है अपना जो असाइनमेंट है वो ऑनलाइन मोड में ही जमा कराएंगे। मतलब या तो आप गूगल की जो है उनका लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करके जो है अपना असाइनमेंट जमा कराएंगे, गूगल फॉर्म जो होता है, या फिर दूसरा जो है आप ईमेल आईडी पे उनकी सेंड कर सकते हैं। ईमेल आईडी पे सेंड करने के लिए बच्चों के पास बहुत सारे डाउट थे, आपको बता देता हूं। जैसे आप ईमेल खोलते हैं आपको जो है दो ईमेल पे उनको जो है सेंड करना है, एक रहेगा आपका स्टडी सेंटर की ईमेल आईडी और एक रहेगी रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी। आपको दोनों ही आईडी आपको जो है अवेलेबल हो जाएगी, रीजनल सेंटर की आईडी आपको अपने इग्नू के ऑफिशियल पोर्टल से मिल जाएगी और स्टडी सेंटर की आईडी आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे मिल जाएगी। जैसे ही आप खोलेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आरसी दिल्ली 3 का ले रखा है, यहां पर जैसे ही आप इस ऑफिशियल पोर्टल पे आते हैं यहां स्टडी सेंटर पे आप क्लिक कर दीजिए, आपके सामने कुछ इस तरह की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। यहां पर जो है आप अपना कंट्रोल एफ दबा के जो है अपना स्टडी सेंटर ढूंढ सकते हैं, जो भी स्टडी सेंटर है आपका वहां, यहां पर आपकी जो है ईमेल लिखी हुई है कि आप जो है यहां पर इस ईमेल आईडी पर अपना जो है सेंड कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को। कुछ और बेसिक डिटेल बता दूं, जैसे कि आप कोई भी बच्चा अगर असाइनमेंट अपना सबमिट कर रहा होगा ऑनलाइन, तो आपको बता देता हूं यहां पर आप जो है इग्नू जो भी आपका स्टडी सेंटर होगा, जैसे हम ले लेते हैं 38038034 ये ले लेते हैं और एक ले लेते हैं rcdelhi.nic.in ये जो है ईमेल आईडी होगी, मैंने एग्जांपल के तौर पे ले रखा है, तो आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग जो है डाल देना। जो आप सब्जेक्ट में लिखोगे वो लिखोगे आप इग्नू ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन आप ये डाल देंगे और सब्जेक्ट में जो है उसके बाद क्या डालेंगे आप डियर सर या फिर मैडम और स्लैश डाल के मैम और यहाँ पर जो है एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट डिटेल ऐसे लिखेंगे और कुछ स्टूडेंट डिटेल है जो आपको डालने ही डालने, क्योंकि स्टडी जो है इग्नू ने एक सर्कुलर निकाला था 2 महीने पहले जिसे बताया था कि द ईमेल मस्ट कैरी द फॉलोइंग डिटेल ऑफ सेंडर, जो डिटेल्स जो सेंडर है सेंड कर रहा है उसकी कुछ डिटेल होनी चाहिए। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में ही अपनी डिटेल डाल दूंगा, आप इसे कंट्रोल सी करके यहाँ पर जो है अपनी ईमेल में आईडी में यहाँ पर आके पेस्ट करके आप जो है अपनी डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं, ईजिली रहेगा। और अपने जो है आप जो है असाइनमेंट के जो भी आपकी पीडीएफ फॉर्म में आपका असाइनमेंट होगा उसे जो है आप जो है अटैच कर सकते हैं। और एक और डाउट रहता है कि अटैचमेंट का जो रीनेम है वो किस तरह से रहेगा, तो आप रीनेम करके पहले अपना असाइनमेंट का कोड डाल सकते हैं, जैसे आप डालेंगे MPS उसके बाद अपना जो है एनरोलमेंट नंबर 10 डिजिट का वो डाल सकते हैं। इस तरह से आप अपने यहाँ पर जैसे आप अपनी सारी डिटेल फिल कीजिए, राम एनरोलमेंट नंबर 1917654
9987 इस तरह से जो है आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं, रीजनल सेंटर का कोड एक्सटेंड डाल के यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप ईमेल के जरिए जो है अपना असाइनमेंट सेंड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करें, तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जो है यहाँ से अपना जो भी आपका प्रोग्राम हो यहाँ से आप अपना जो है डाल सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ थोड़ी और कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, जैसे कि रीजनल सेंटर का कोड क्या है, तो आप आरसी दिल्ली थ्री लिख सकते हैं। स्टडी सेंटर का कोड आपको अवेलेबल रहेगा, प्रोग्राम कोड आपका जैसे एमकॉम बीकॉम एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू एक्सेट्रा होगा। कोर्स कोड अटैच असाइनमेंट यहां पर आप अपने सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जिस चीज का आप असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इजीली आप जो है अपना असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपके सभी डाउट जो है असाइनमेंट को लेकर सॉल्व हो चुके होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, हम इसका जवाब दे देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है सभी बच्चों के मन में जो डाउट है असाइनमेंट को लेके वो सभी डाउट जो है क्लियर हो जाए। और हमारी ये जो फैमिली है अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल की, आप लोगों का ही चैनल है, तो प्लीज दबा के शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।